राम राम जी, मैं एक और आपके लिए खास वीडियो लेके आया हूँ जो कि मेरे पास कमेंट आया था। इस भाई साहब ने कमेंट के अंदर लिखा हुआ है, भाई साहब हमने 150 लोगों के लिए आलू गोभी की सब्जी और पूरी और साथ में हमने बूंदी दाना देना है। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगेगा और क्या क्या मटेरियल लगने वाला है वो विस्तार से बताएं। ठीक है भाई, जो हमारा जो मटेरियल की लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो हम जान लेते हैं एक बार, क्या क्या इसके अंदर लगने वाला है। जो आलू रहेंगे मैक्सिमम हमने 6 किलो आलू करने, 5 से आप 6 किलो कर सकते हो। मैंने 6 किलो क्यों किए हैं, क्योंकि जो हम छील लेते हैं, छीलने के बाद में थोड़ा अड़ंगा निकल जाता है ना, तो लगभग मान लीजिए हमारे 5 किलो आलू यहाँ पर बच जाते हैं। छिलका निकलने के बावजूद 5 किलो हमने यहाँ पर आलू लगाए हैं और 20 किलो हमने गोभी करनी है। लगभग हमारा जो डंखल है, गोभी का डंखल निकलने के बाद लगभग 12 किलो हमारी गोभी यहाँ पर बचने वाली है। 12 किलो हमारी गोभी बच जाएगी। 5 किलो हमने किया है भाई आलू और 10 से 12 किलो हमारी गोभी हो गई। लगभग 15-16 किलो हमारा टोटल वेट रहेगा मिक्स वेज सब्जी का, आलू गोभी की सब्जी का। और 7 से 8 किलो हमने टमाटर किए हैं यहाँ पर। 5 किलो प्याज होगी और 200 ग्राम हरी मिर्ची है और लहसुन कर दिए मैंने 100 ग्राम। 50 ग्राम अदरक कर दी है, 100 ग्राम हरा धनिया कर दिया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ा मसाला क्या क्या इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। 50 ग्राम मैंने यहाँ पर जीरा कर दिया है, 50 ग्राम लाल मिर्ची कर दी है और 50 ग्राम हल्दी कर दी है। 10 लीटर मैंने रिफाइंड भी कर दिया है। ये सब्जी पूरी के लिए है, वो भी बनाने की विधि बताने वाला हूँ आपको। 50 ग्राम मैंने धनिया कर दिया पिसा हुआ और स्वाद अनुसार हमने नमक भी डाल लेना है सब्जी के अंदर। और 10-10 रुपये वाले जो 5-5 रुपये वाले मीट मसाला होता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर लेना, एक एक पुड़िया। 20 ग्राम अमचूर की मात्रा इसके अंदर डालना जरूरी है, ताकि जो गोभी की मात्रा, गोभी और आलू की सब्जी होती है वो अच्छी चटपटी बन जाए अमचूर से। फिर बात करते हैं हमें जो आपने एक बोला है बूंदी दाना, बूंदी दाने के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैक्सिमम हमारे जो 1 किलो बूंदी दाना है उसकी औसत निकालेंगे, उसमें कितने लोग निकलने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 किलो बूंदी है, 1000 ग्राम बूंदी है, 1000 ग्राम मान लीजिए एक व्यक्ति 100 से 120 ग्राम बूंदी तक खाएगा। तो मान लीजिए हमने एक व्यक्ति 110 ग्राम बूंदी दाना खा लेगा, तो लगभग 1000 भाग में 110 यदि हम कर लेते हैं, हमारा बूंदी दाने की औसत रहेगी 9 लोग। 1 किलो बूंदी दाने के अंदर हमारे 9 लोग निकल गए। अब बात करने वाले 150 लोग निकालने, हमने 150 भाग में हमने 9 किया है, तो 20 किलो बूंदी दाना हमारे यहाँ पर लगने वाला है। 20 किलो बूंदी दाने की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहेगी 150 लोगों के अंदर। लगना है तो वही 18 किलो के आर बार, तो भी 1-2 किलो बूंदी दाना एक्स्ट्रा रहेगा तो अच्छा है। अब बात करते हैं बनाने की विधि। जो हमारी यहाँ पर मैंने 10 किलो रिफाइंड किया है, उसके अंदर से लगभग 4-5 किलो हम रिफाइंड एक कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे। 4 किलो लगभग 4 किलो एक रिफाइंड कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे। उसके अंदर जो हमारी सब्जी रहेगी, बारीक बारीक कटिंग की गोभी है, जैसी आलू है, उसको हम थोड़ा थोड़ा माल करके फ्राई कर लेंगे। एक भगोने के अंदर या एक किसी बर्तन के अंदर हम उसको डाल लेंगे। डालने के बाद में जो हमारा फ्राई करने वाला घी था वो अलग से रख देंगे, उसके अंदर हमने सब्जी नहीं बनानी है। अब जो फ्रेश रिफाइंड या घी हमारे पास बचा हुआ है, फ्रेश रिफाइंड, वो हम सब्जी छौंक के लिए डाल लेंगे। जैसे कि नॉर्मल आप सब्जी बनाते हो वैसे ही बना लेना। जैसे कि प्याज है, प्याज को अच्छी तरह से पिसाई करवा लेना, और जो टमाटर है, टमाटर की भी अच्छी तरह से पिसाई करवा लेना। और प्याज को हम भूनने के बाद में पहले तो हम जीरा डालेंगे उसके अंदर। लगभग इसके अंदर जो सब्जी रहेगी हमारी, इसके अंदर हमने 3 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 3 लीटर तेल डालना है। 2.5 लीटर डालोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 2.5 लीटर यदि हम तेल डाल लेते हैं और प्याज की अच्छी तरह से भुनाई करके हम टमाटर डाल लेते हैं,
उसके बावजूद हमारा जो नमक मिर्च मसाला रहेगा वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में हमारी जो सब्जी है वो तैयार हो जाएगी। फिर हमारी जो मिक्स वेज सब्जी रहेगी वो इसके अंदर डाल देंगे, जैसे कि आलू और गोभी वो इसके अंदर डाल देंगे। एक एक या दो बार उसको धीरे धीरे हम मिला देंगे, बार बार हमने उसको रोटना नहीं होगा। एक दो बार मिला करके हमारी जो सब्जी है वो नीचे उतार लेंगे, हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा जो हमारे पास 1.5 लीटर तेल बच गया था, लगभग 2-2.5 लीटर तेल बच गया था, वो एक कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे, जिसके अंदर हमने जो सब्जी फ्राई की थी उसके अंदर डालने के बावजूद हम थोड़ा सा तेल उसमें 200-250 ग्राम तेल रख सकते हैं। भाई जो आटे की पेड़िया लगाते हैं ना, लोई पर हम थोड़ा तेल लगाते हैं, उसको रख सकते हैं। उसके अंदर बचा हुआ तेल था हमारा, उसके अंदर हम पूरियां निकाल लेंगे। आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब है, फॉलो जरूर कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।